आइडेंटिटी नंबर सिक्स, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इन दोनों का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री टाइम्स इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इनका सम। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई, अब दो वेरिएबल्स हैं और इनका क्यूब, तो क्या होगा एक्स, अब सबों में माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर आइडेंटिटी नंबर एट, एट क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स, तीन वेरिएबल्स, ये किसके बराबर होगा, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैं बताऊंगा इनका कहां पे हम यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अब इन सभी आइडेंटिटीज को, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, जो है तो इक्वेशंस ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे इन सबों में इक्वेशन का साइन है बीच में, है ना, ये दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दे आर बेसिकली इक्वेशंस एंड दीज इक्वेशंस आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स, उनको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। यानी कि आप एक्स में वाई में और जेड में कुछ भी नंबर सब्स्टिट्यूट करो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही रहेगा हमेशा, दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। अगर आप इसका ध्यान से देखोगे हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, एक तो जहां पे दो दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हो, जैसे ऐसे हो, तो ये एक सम से ये दोनों, अगर मैं इसके बीच में कुछ कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म लिख रहा हूँ, एक टर्म हो या दो टर्म हो, लेकिन आपस में ये ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका जो भी आंसर होगा, कुछ भी आंसर होगा, इस जो ये आंसर होगा या ये जो भी एक्सप्रेशन होगा हमें, और यहाँ पे हमें राइट साइड में क्या मिला, इनका प्रोडक्ट मिला, तो दैट मींस जो ये राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है, ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, यानी कि ये फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होगा। अगर आप आइडेंटिटीज में देखो कहाँ पे आपको कौन कौन सी आइडेंटिटी में फैक्टराइजेशन मिल रहा है, चलो वो देखते हैं। पहले एक आप देखो, एक आइडेंटिटी नंबर थ्री में देखो, राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो ये एक सम से लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड का क्या एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये क्या है, हाँ सर फैक्टर एक सम से फैक्टर्स है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके जो ये राइट हैंड साइड है ये फैक्टर्स है। फिर फैक्टराइजेशन कहाँ पे हमें और दिख रहा है,
ये वाला एट में भी दिख रहे हैं, क्योंकि फिर दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये और एक ये पूरा का पूरा है। इसका मतलब फिर से जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, इसका राइट हैंड साइड जो है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म है। अच्छा, फिर आइडेंटिटी फोर में देखो, इसमें जो ये एक्सप्रेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइजेशन फॉर्म है, क्योंकि एक ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस वाई, दूसरे में लिखा है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइजेशन फॉर्म है और राइट हैंड साइड एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे कि हमने उसको एक्सपेंड किया है। तो कहीं पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया होगा और आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी, और कहीं पे आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म दिया हो आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो। तो इसलिए ये आइडेंटिटीज याद करनी ही पड़ती है, और कोई तरीका नहीं है। तो इनको आप एक बार ही टू ट्राई टू रिमेम्बर देम ऑल दीज आइडेंटिटीज, तो आपको आगे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके सर। तो देयर आर एट आइडेंटिटीज, तो आपको कहीं पे, अब आप देखो हर आइडेंटिटी के दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। अब जैसे फर्स्ट वाला है, ये होल स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है। सेकेंड में फिर से लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर है। फिर थर्ड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो ये आइडेंटिटीज आपको यू हैव टू रिमेम्बर। फिर ये भी ध्यान रखना, ये ऐसे भी मतलब अलग अलग याद करने के ट्रिक्स हैं, वो हर कोई अलग तरीके से याद कर सकता है, उसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं अगर इनको ध्यान से देखूं कि ये आइडेंटिटी नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, फर्स्ट फाइव आइडेंटिटीज जो इसमें सिर्फ स्क्वायर 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 है, क्यूब नहीं है वेरिएबल में, जबकि 6, 7 एंड 8 इसमें क्यूबिक फॉर्म है, क्यूब है, जो वेरिएबल है वो क्यूब में जा रहा है। कहीं पे देखो रे पावर जो है वो 3 है, मैक्सिमम पावर, और इनमें मैक्सिमम पावर जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट फाइव में। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद ये जब आपने नोट कर लिया, ये आप इसको सेव कर लेना, कि ये हमारे को आगे काम आएगा क्वेश्चंस में। फिर इनको हम डिफरेंट क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चंस कहाँ गए, एक्सरसाइज नंबर 2.4, इस टाइप का सपोज क्वेश्चन है। अभी ये तो ये 9th में भी आ सकता है, 10th में भी आ सकता है। आपको आइडेंटिटीज जो है वो यूज करनी है, ये 9th के चैप्टर में भी है, 10th के चैप्टर में भी। फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी यूज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल भी तो एक्सरसाइज ही है, सॉरी एक्सप्रेशन ही है। सो अगर अब मैं कहूं कि जो हमने ये आइडेंटिटीज लिखी ये वाली, दीज आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। सब फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, फर्स्ट आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, इसे पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। सो दीज आर ऑल, जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये आइडेंटिटी से हम इनको डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल याद है कि उसमें कुछ कंफ्यूजन है,
जीरो पॉलिनोमियल को भी हम यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में या और सॉल्व करने में। अब जैसे यहां पे ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, या ऊपर लिखा है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। तो कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, इसमें क्या आइडेंटिटी है? इसमें x तो कॉमन दिख रहा है, सो x प्लस a, a 8 हो गया और ये 10b हो गया, तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी नंबर 4। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये फिर से x प्लस a, x मतलब इसमें 3x जो है और 3x ये कॉमन है, इसको हम x मान सकते हैं, और ये b a है और ये b है। इसी तरीके से ये वाली कौन सी आइडेंटिटी है बताओ, कौन बताएगा? शाबाश, बताओ क्या लिखा है? 3 - 2x फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2x, तो कौन सी आइडेंटिटी होगी? सर x² - y² वाली। एक्स स्क्वायर कहाँ है इसमें? एक्स स्क्वायर तो हाँ, एक्स स्क्वायर हाँ, वैसे तो वही है, लेकिन इसमें पहले ही जो आपको यहाँ पे x है और ये अगर a है, ये a है, कुछ भी मान सकते हो। जैसे ये 3 - 2x है तो आप इसको a माइनस बी मान लो, और ये 3 + 2 है, 2x है, तो a प्लस बी हो गया। यानी कि a जो है आपका इसमें a 3 है और b जो है वो 2x है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b, तो कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नंबर ये 3। सर थर्ड वन। तो इसमें आपको देखो जरूरी नहीं है हमेशा लेफ्ट, जो आइडेंटिटी के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब इस आइडेंटिटी में ऑलरेडी आपको राइट हैंड साइड दिया हुआ है, ये वाला दिया है, और आपको ये आंसर निकालना है, ठीक है? सो किसी क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी का राइट साइड दिया होगा, एक आइडेंटिटी क्या होती है? इक्वेशन होती है। इक्वेशन में दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन आइडेंटिटीज को, आप बार बार एक बारी कॉपी में लिखोगे और ध्यान से देखोगे तो मेमोरी में घुस जाता है। फिर क्या क्वेश्चन में कि कई जगहों पे आपको राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन दिया होगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर सकते हो, कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा तो आप राइट हैंड साइड को यूज कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस आपकी तभी होगी कि जब आप इनको बार बार लिखोगे और किसी तरीके से इनको याद करना है आप, जैसे उसको थोड़े ट्रिक्स यूज करने हैं। जैसे मैंने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट 5 जो है ये स्क्वायर में, और उसके बाद जो 6, 7, 8 है ये क्यूब फॉर्म में, तो ऐसे याद रख लो, जैसे भी आपको कन्वीनियंटली याद रहे दिमाग में। इसी तरीके से हम जैसे ये कह रहे हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करने है, फॉर एग्जाम्पल ये 104 × 96। अब देखने से कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? लग रहा है मेरे को, दिखने से लग रहा है कि ये जो है ये अगर 100 + 4 है तो ये 100 - 4 है, तो इस 104 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 100 + 4
और 96 ये बीच का जो मल्टीप्लाइड है इसको बेशक आप मल्टीप्लाइड लिखो या दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4। अब ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है कि ए, अब 100 दोनों में कॉमन है, यानी कि ये अगर ए है या एक्स है, 100 कॉमन है ना दोनों में, तो 100 को अगर मैं एक्स मानता हूं तो ये एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी, सॉरी नहीं एक्स माइनस ए, हाँ एक्स माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये ए के बाद ए के बदले हम वाई रख लेते हैं, सिर्फ याद आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर ये वाली ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स 100 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 40। अगर दो जीरो है, 100 इंटू 100 40 माइनस 16, तो इसका माइनस करके जो भी आंसर होगा। सो हमने यूज क्या किया, क्वेश्चन में लिखा था यूज सूटेबल आइडेंटिटीज, आपको आइडेंटिटीज यूज करना। इसी तरीके से नेक्स्ट में लिखा है इवेलुएट करो विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि हमने आइडेंटिटीज को यूज करना है। इसी तरह थर्ड में देखो फैक्टराइज यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, अब इनको फैक्टराइज करना है। अब आप देखो अगर फैक्टराइज करोगे, अब आइडेंटिटी वापस इसमें देखते हैं, फैक्टराइजेशन कौन कौन सा है, जहां पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा याद है, याद क्या, ये देखने से ही पता चलेगा। अगर मैं इसको ब्लू शेड को मिटा रहा हूं, कौन कौन सा है फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन का थर्ड फोर्थ एंड एट, थर्ड ये भी फोर्थ भी है लेफ्ट साइड में फैक्टराइजेशन, फिर एट भी है ये। अब हम इनको देखते हैं, यानी कि एक जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी जगह है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और फिर लास्ट वाले में जो है यहाँ पे राइट साइड में स्क्वायर भी है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और फिर ये क्यूब के फॉर्म में आ जाता है। अब हम वापस यहां देखते हैं, अगर अब हम इसको देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखें, अच्छा पहले हमने ये जो है फैक्टराइज, अब इसको देखते हैं क्या दिख रहा है, आप अब ये मेरे को दिख रहा है, ये अगर किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये तो 3x का स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा, 3x का है ना। निर्मला आपके बैकग्राउंड में क्या आवाज आ रही, और ये वाला लास्ट टर्म y का स्क्वायर है, तो बीच वाला आप देखो क्या ये इनका प्रोडक्ट का 2 times है क्या, तो बीच वाला है प्लस 2 times a, a आपका 3x है मल्टीप्लाइड बाई b, तो दैट मीन्स 6xy, हाँ 6y है। इसका मतलब है
अगर ये ए हमारा क्या है, 3x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो किसके बराबर होता है? सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हाँ, एक्स प्लस, अब यहां क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई है, आप इसको ए बी में बात कर लो तो इजी हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ ए क्या है, ए अब आपको राइट वाला दिया हुआ है, राइट वाली साइड दी हुई है, ये जो है ये आपका ये राइट साइड है। तो ए के बदले यहाँ पे हमारा 3x है, 3x का स्क्वायर है, और बी के बदले वाई है, और फिर देखो 2ab, हाँ वो सही बैठ रहा है, 2 into a into b, तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, a आपका 3x है, प्लस b आपका क्या है, y, इसका होल स्क्वायर। दैट मींस जो ये जो टर्म है, जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये किसके बराबर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज करना है, इसका मतलब है इसको आपको दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो अगर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसी पूरे ब्रैकेट को 2 बारी आप अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो, 3x + y मल्टीप्लाइड बाई 3x + y, तो ये किस फॉर्म में आ गया? फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में, क्योंकि ये एक फैक्टर बन गया और ये दूसरा फैक्टर बन गया, आपस में प्रोडक्ट है ना, आपस में मल्टीप्लीकेशन है। सो मैंने एक इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, और क्या हेल्प लिया? एक आइडेंटिटी का हेल्प लिया। कौन सी आइडेंटिटी का हेल्प लिया? ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसी तरीके से ये वाली देखो, जहां पे आपको दो स्क्वायर्स दिखाई दें, जैसे मेरे को ये दिख रहा है, एक ये स्क्वायर दिख रहा है और एक ये स्क्वायर दिख रहा है, तो आप फटाफट उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करो। अब मुझे बताओ, ये वाला करके बताओ जल्दी से। इसमें ए क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? चलो ये सोनिया थापा, आप बताओ, इस एक्सप्रेशन में ए किसको आप मानोगे, किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? अगर ये 4y² है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 2y का स्क्वायर, और 1 किसका है? 1 का स्क्वायर। फिर अब आप ये मान लो कि अगर ये ए है और ये बी है, तो क्या बीच में 2ab बन रहा है? बीच में क्या है? -2y, सो बीच में है -2 into a, ए आपका 2y है, इंटू बी, बी आपका 1 है, तो देखो ये 2ab बन गया ना, 2 into 2 is 4, यस सर, वाई इज वाई, दैट मीन्स ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो किसके बराबर होता है? सर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स और वाई इसके बदले में ए बी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ओरिजिनल सम में वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो।
तो एक्स माइनस वाई के बदले हम कह सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये पूरी आइडेंटिटी किसके बराबर हो जाएगी? अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे? सर 4y2। नहीं, 4y2 तो ए नहीं है, वो तो ए स्क्वायर है। ए क्या है? सर 2y। हाँ, ए तो सिर्फ ये वाला है, ये ए है, ये ए स्क्वायर है। तो 4y2 तो 2y का स्क्वायर है, यानी कि ए जो है वो 2y माइनस बी, बी क्या है हमारा? सर वन। तो अब ये जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, ये वाला, ये किसके बराबर बन गया? इसके बराबर, 2y-1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो इसको दो, इस ब्रैकेट को आपस में दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर ऑलरेडी है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y-1 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 2y-1। तो दैट मीन्स ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। इज इट क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। तो ऐसे ही आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिए गए, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है, एक तो फैक्टराइज करना है और साथ में आइडेंटिटी को यूज करना है, यूजिंग। अब इसको देखो, इस एक्सप्रेशन को, इसमें देख के ही क्या नजर आ रहा है कि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है और बीच में वाई है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल करूं मैं, तो इसमें ए क्या मिलेगा बताओ? पहले इसको सर एक्स होगा ए मेरा, तो मैं लिख सकता हूं एक्स का स्क्वायर माइनस बी के बदले क्या लिखूंगा? सर वाई का स्क्वायर। ये वाई का स्क्वायर है, ये पूरा टर्म है, वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको मुझे लिखना है बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो बी क्या होगा? बी होगा अंदर वाला। अब ऊपर तो स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, लेकिन नीचे 100 दिया है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। थैंक। हाँ, तो इसके बदले में एक्स स्क्वायर के बदले, तो मैं एक्स स्क्वायर के बदले तो एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं, फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 के बदले मैं लिख सकता हूं वाई अपॉन 10 उस पूरे का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये मेरे को एकदम देखने से पता चल रहा है, ये मेरे को आइडेंटिटी कौन सी वाली इस्तेमाल करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी। और इसमें ए क्या है? ए मेरा एक्स है और बी क्या है? वाई अपॉन 10। तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो जो हमने ये आइडेंटिटीज लिखी, जो हमने ऊपर आइडेंटिटीज लिखी थी, कहाँ लिखी? अभी जो आइडेंटिटीज लिखी थी ना, यस सर। उनको, हाँ, उनको एक काम करना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, उनको आप जब लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे, अगर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो उनको साथ में एक्स के बदले ए भी लिखो, उसे दिमाग में एक बारी बैठ जाएगा कि जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स ही हो, या ऐसे इसको एक्स के बदले ए भी लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो इसको पहले x प्लस वाई लिखो, फिर a प्लस बी भी लिखो, उससे क्या है दिमाग में दिमाग की एक्सरसाइज सी हो जाएगी। अच्छा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो कभी आप a और b के फॉर्म में लिखो, कभी x प्लस एक्स और y के फॉर्म में लिखो, क्योंकि उससे क्या होता है कि दिमाग थोड़ा जब भी अलग 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 हमें ये मिलते हैं क्वेश्चंस, तो उसको हम ए और बी और एक्स और वाई को वी कैन विजुअलाइज, उसको ध्यान से हम समझ सकते हैं देखने में। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस करो, इनकी सारे इनकी प्रैक्टिस करो खूब सारी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। अभी टेंथ में कौन है, सिर्फ सोनिया सिंह है या निर्मला, आप नाइन्थ में और टेंथ में? सर नाइन्थ। हाँ तो ये तो नाइन्थ के लिए, और टेंथ वालों को भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस होगी फिर जो टेंथ का चैप्टर है उसमें उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। टेंथ में तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, वहां जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी यूज करने। अब जैसे ये कौन सा है, ये टेंथ का है, अब जैसे ये वाला है, अब ये टेंथ का भी सेम चैप्टर है लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है इसमें, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और करेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे, जैसे 7:30 to 8:30 क्लास होती है ना, 7:30 to 8:30, तो नेक्स्ट हम पहले टेंथ का स्टार्ट करेंगे, वरना टेंथ का प्रैक्टिस नहीं होती है। हम नेक्स्ट क्लास में 7:30 to 8 जो है वो टेंथ के लिए करेंगे, फिर 8 to 8:30 नाइन्थ के लिए करेंगे। ओके सर। चैप्टर दोनों का सेम है, पॉलिनोमियल ही चैप्टर है, लेकिन टेंथ में थोड़ा सा फिर और उसको उस पर और हमने पढ़ना है। या चलो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। सोनिया सिंह आप इसको और प्रैक्टिस करना ये वाले क्वेश्चंस, उससे क्या आपकी जो एलजेब्रिक एलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। जब एक बार ही स्ट्रांग हो जाएगा उसको फिर हम जो टेंथ का चैप्टर है उसमें हम उसको यूज कर पाएंगे आसानी से। तो आज हमने सारी आइडेंटिटीज देखी, और उसके बाद ये जो चैप्टर है चैप्टर 2.4, तो मैं ऐसे करता हूँ ये 2.4 के दो हिस्से कर देते हैं। ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसको मैं ऐसे डाउनलोड करता हूँ, फिर यहां से हटा के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 15, 16 बहुत सारे, ये 4 से लेके 11 तक, इसको भी डाउनलोड करता हूँ। तो ये इमेजेस आपको वहां में हम ठीक है, ये मैं इमेजेस कट करके आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, और सारे आइडेंटिटीज को आपने यूज करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ तो इनको यूज इनको करके मेरे को आप लोग तीनों लोग अपनी कॉपी के फोटोग्राफ्स भेजेंगे,
तो ये होमवर्क जो है मैं आपको उस पे भेजूंगा, गूगल क्लासरूम में ही होगा होमवर्क। जैसे आपकी ये देखो 9th का जब हम शुरू में ही देखेंगे ना, 9th का शुरू में क्लास वर्क के ऊपर ही, क्लास वर्क के ऊपर ही सबसे पहले हम टॉपिक बनाएंगे होमवर्क को। ये बनाया हुआ है ना, यस सर। तो यहाँ आज की डेट डालूंगा और उसमें ये एक्सरसाइज डालूंगा। तो आप लोग अपने अपनी 9th में भी दिखाई देगा, 10th में भी दिखाई देगा। तो ये एक्सरसाइज आप वहीं गूगल क्लासरूम में ही हैंड इन करो, सारे क्वेश्चंस करो, क्योंकि आज तो वेंसडे ही है, फिर नेक्स्ट क्लास तो आप कब है, मंडे को है ना। सर हाँ, तो मंडे। काफी दिन है आपके पास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये सारे क्वेश्चंस करो और आइडेंटिटीज को एक बारी थॉरली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी भी 7-8 आइडेंटिटीज हैं उनको बेसिकली यूज करना है। ओके चलो, ओके सर। ओके देन, बाय। बाय सर। गुड नाइट सर।